स्वादिष्ट एपेटाइजर फिश टिक्का आज बनाते हैं। नमस्कार, सोनालिका गौमी किचन में आपका स्वागत है। इस स्वादिष्ट फिश टिक्का को तैयार करने के लिए इस रेसिपी को फॉलो करें। ऐसी ही नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। यहाँ पे हमने आधा किलो बासा फिलेट्स लिए हैं, जो कि बोनलेस है। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, इसलिए हमने ये वाली फिश ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी फिश ले सकते हैं। इस तरह से बाइट साइज पीसेस में कट करके इसको बड़े से बोल में रख लें। अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। तो आधा नींबू हमने यहाँ ले लिया है, उसको इस तरह से इसको डाल लें। नमक स्वादानुसार डाल लें। हल्दी पाउडर यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच डाला है। साथ ही साथ इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। कसूरी मेथी 1 चम्मच। अजवाइन हमने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन 2 चम्मच डाल लें। और बेसन और कॉर्नफ्लोर को यहाँ पे हमने आधी आधी मात्रा में मिलाकर ले लिया है, 4-4 चम्मच दोनों है। इसको डालने के बाद इसको बिना पानी डाले पहले मिलाएं। 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल लें। जरूरत पड़ने पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, अगर जरूरत ना हो तो इसमें पानी ना ऐड करें। इसके मॉइस्चर से ये अच्छा खासा मिक्स हो गया है, इस तरह से देखिए। अब इसको 10-15 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तीखी चटपटी चटनी इसके लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पुदीना का पत्ता लिया है, बराबर ही मात्रा में धनिया की पत्तियाँ ली हैं, 5 हरी मिर्च लिए हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। गार्लिक के 10 कलियाँ ले ली हैं। नमक 1 चम्मच और काला नमक हमने थोड़ा सा लिया है। जीरा पाउडर यहाँ पे हमने ले लिया है 1 चम्मच। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। आधा नींबू का रस इसमें डालेंगे। उसके बाद सेव भुजिया यहाँ पे हमने 2 चम्मच डाला है, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है चटनी का। दही थोड़ी सी डाल लें और पानी डालकर इसको अपने पसंद के थिकनेस के हिसाब से ब्लेंड कर लें। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी हमारी टिक्के वाली चटनी तैयार है। इसको साइड रखते हैं। कढ़ाई में तेल गरम कर ले, बिल्कुल बढ़िया इस तरह से धुएं वाला गरम हो जाए ये सरसों का तेल। तो गैस को कम कर दे, फिश को चेक करें, अगर पानी आ गया है तो उसको अच्छे से मिला दे। और उसके बाद इसको इस तरह से पीसेस को डालते जाए तेल में, और मीडियम हीट पर इनको डीप फ्राई करेंगे हम। बहुत ज़्यादा मात्रा में मछली को एक साथ ना डालें, कम कम मात्रा में डालें, इससे ये चिपकते नहीं कढ़ाई में। और बहुत ही बढ़िया फिश टिक्का तैयार होता है और काफ़ी क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से पलटते हुए इसको पकाएं, और जब बिल्कुल बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब हम इनको निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह का। तो इसको निकाल लें और इस तरह से हम इसको रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए टिश्यू पेपर्स में। तो सारी सारी की सारी फिश टिक्का को हमने यहाँ पे डीप फ्राई करके निकाल लिया है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी दिख रहे हैं। चटनी, प्याज, नींबू और हरी मिर्च के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और स्वादिष्ट दिख रहा है ये टिक्का हमारा। धनिया की पत्ती से इसको गार्निश करें। अब एक टिक्के को तोड़ कर दिखाते हैं। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट और जूसी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट फिश टिक्का तैयार है, इसका आनंद लें। ऐसे ही नई रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।